जैम सिक्की, मेरा नाम शेरोन है, मैं सेक्टर 85 फरीदाबाद से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि फरवरी 24 तारीख को एक साथ बहुत सारे अटैक्स मेरी फैमिली पर हुए। सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में उठते ही मेरी और मेरे हस्बैंड की बिना किसी रीज़न पे ही बहुत बहस हो गई, और उसके बाद बिना लड़ाई सॉल्व किए ही हम दोनों अपने अपने ऑफिस निकल गए। अभी वो सब चल ही रहा था कि इतने में मेरे घर से, चंडीगढ़ से फ़ोन आया कि मेरे ब्रदर को आँख में टेनिस बॉल लग गई है। तो मेरे को जैसे ही ये पता चला तो मैंने तुरंत पास्टर जी को मैसेज दिया, तो पास्टर जी ने तुरंत फ़ोन पे प्रेयर करके मैसेज का रिवर्ट किया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पास्टर जी की प्रेयर से मेरे ब्रदर की जो आइज़ में बॉल लगी थी उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ, उसकी आइज़ बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी इंजरी नहीं हुई, कोई भी आइज़ में अंदर की तरफ कोई भी डैमेज इंजरी होने से खुदा ने उसे बचाया। उस चीज़ के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास का भी धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद शाम को जब मैं घर आई तो घर आते ही मेरे को एकदम से ऐसा लगा कि जैसे कि कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मेरी जान लेना चाहता है। एकदम से मेरी सांसें तेज़ चलने लग गई, और ऐसी ही कंडीशन में मैंने अपने हस्बैंड को बहुत मुश्किल से फ़ोन करके उन्हें बताया, और वो मेरी ऐसी हालत देख करके फटाफट उस स्कूटी को उठाया जिस स्कूटी में ब्रेक नहीं थी। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उस दिन परमेश्वर ने मुझे भी सही सलामत रखा और मेरे हस्बैंड को भी सही सलामत रखा। मैंने उन घोषणाओं को बोलना शुरू किया जो परमेश्वर के दास और दासी अपनी प्रार्थनाओं में हर संडे बोला करते हैं, कि तुमसे और तुम्हारे से जुड़ी हर एक इंसान के लिए वो दुआ करते हैं कि कोई भी एक्सीडेंट और कोई भी मरना तुम्हारे लाइफ में नहीं होगा। उन घोषणाओं को मैंने बोलना शुरू किया, और परमेश्वर ने उस दिन, जो भयंकर दिन था हमारी ज़िंदगी का, उस दिन हम सब के जीवन को बचाया, और कोई भी ऐसा जानी नुकसान परमेश्वर ने नहीं होने दिया। इस चीज़ के लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास दासी का जो हर संडे हमारे लिए ऐसी घोषणाओं को करते हैं। सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम बच्चन लाल है, मैं जवाहर कॉलोनी से आया हूँ। मेरे को कैंसर हो गया था 2020 में। 2020 से मेरा इलाज चल रहा था। मेरे चाचे की लड़की, भतीजी है मेरी, वो यहाँ मेरे पर लेके आई फर्स्ट चांस। मेरे को तेल दिया मैंने गले में और सिर पे लगाया, उसकी कृपा से मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। और फिर एक दिन मैं दोस्त की दुकान पर बैठा और मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फिर उन्होंने मेरे बच्चों को फ़ोन किया, वो आए मेरे को लेके गए बीके हॉस्पिटल में। बीके से उन्होंने रेफ़र कर दिया सफदरजंग में। सफदरजंग में सारे टेस्ट मेरे हुए, ECG, CT स्क्रीन, बाथरूम टेस्ट, खून टेस्ट, सब नॉर्मल, कोई बीमारी नहीं है। कैंसर के गले में दूरबीन लगाई, दूरबीन से गला मेरा चेक किया तो बोलते हैं आपका कैंसर ख़त्म हो चुका है। इस गवाही का, ईसा मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ। ईसा मसीह का मेरा बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम इजहाक है और मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। और मेरी गवाही ये है कि मैं 24 तारीख को कॉलेज के ग्राउंड में घूम रहा था, और वहाँ पे कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने शॉट मारा और मुझे दिखा नहीं, और रैंडमली बॉल सीधा मेरे लेफ्ट आई में आके हिट करी, और इतनी ज़ोर के हिट करी कि मेरे को कुछ उस टाइम तो दिखा नहीं, ब्लैंक हो गया मैं। 15-20 मिनट में ही बैठा रहा मैं, और उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया कि मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था लेफ्ट आई से, और जिसके करके मेरी राइट आई भी नहीं ओपन हो रही थी। 3-4 लोगों से पूछा और उन्होंने हॉस्पिटल रेकमेंड किया मेरे को, आई स्पेशलिस्ट, और हम वहाँ पे गए और फटाफट उन्होंने एमरजेंसी में मेरे को चेकअप किया, और उन्होंने बताया कि आपकी लेफ़्ट आई में ब्लड बहुत ज़्यादा आ गया है और जिसके करके आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी हम आपको कुछ आई ड्रॉप्स डाल के बैंडेज लगा के आपको घर भेज देते हैं, तो आप कल दोबारा आना तो हम चेक करेंगे। तो मैं घर गया और पास्टर हरीश जी को फ़ोन किया और उन्होंने प्रेयर की मेरे लिए, और जो चर्च से फ्री एनॉइंटिंग ऑयल मिलता है वो लगाया, और मैं रात को सो गया। और जब मॉर्निंग में उठा और जो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन दी थी वो ली, और मैं डॉक्टर के पास गया जब चेक करवाने, उन्होंने बैंडेज हटाया तो मुझे सब दिख रहा था। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरी आँख बिल्कुल ठीक कर दी थी, और जो थोड़ी बहुत माइनर सी दिक्कतें थी वो उन्होंने मेडिसिन लिखी,
और वो टेस्ट किए उन्होंने कि रेटिना तो नहीं डैमेज है, लेंस तो नहीं डैमेज है, प्यूपिल ठीक है, वो सब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो सब ठीक था। और आज मैं आप सबके सामने हूँ और मैंने गवाही दी है और मैं सब कुछ पढ़ भी पा रहा हूँ और सब कुछ अच्छे से हो रहा है। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरा जब लास्ट टाइम मैं यहाँ चर्च में क्रिसमस से पहले था तो रैंडमली मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे और मेरे पास प्रिपरेशन का कुछ ज़्यादा टाइम नहीं था और मैंने एक एक दिन पहले मतलब रात को बैठ के प्रिपरेशंस की थी और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन सब एग्ज़ाम्स में मैं पास हूँ और फर्स्ट डिवीज़न से मैं पास हूँ और मेरा लास्ट सेमेस्टर रहता है और परमेश्वर उसमें भी पास करेगा। इन गवाहियों के लिए मैं परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और पास्टर हरीश और पास्टर रति जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए प्रेयर्स की और वो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। सब कुछ जय मसीह। आपको सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुंदरी है, मैं 5 नंबर भगत सिंह कॉलोनी से आती हूँ। मेरी ये गवाही है, मेरे पेट में बहुत जोर की दर्द हो गया था, मेरी कमर में और पेट में बहुत जोर की दर्द हो गया था। जो संडे को अभिषेक का वो तेल मिलता है, मैंने वो लगाया और मेरे 10 मिनट के अंदर अंदर मेरे पेट का दर्द, कमर का दर्द एकदम ठीक हो गया। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर रति जी का, पास्टर हरीश जी का। सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है, मैं रेवाड़ी से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरा खाने का काम है, टिफ़िन सर्विस का काम है। 2 साल से मैं रेवाड़ी में ही अपने मायके में करती हूँ। 2 साल से तो अच्छा चल ही रहा था, 2-3 महीने से कुछ काम ऐसा हो गया कि बहुत बंद हो गया। जहाँ मेरे 50 टिफ़िन से ज़्यादा भी चले गए थे, ऐसी नौबत आ गई कि एक दिन में एक ही टिफ़िन गया। बहुत टेंशन हो रखी थी, मतलब इतना डिप्रेशन बन गया। और मेरे ऊपर मेरी 2 बड़ी बेटियां हैं, मेरे ऊपर उनका सारा, उनके पीजी का, कॉलेज का, रेंट का, अपने मेरे रूम के रेंट का सारा मेरे ऊपर ही है। तो काम बिल्कुल ख़त्म सा ही हो गया और मैंने कई लोगों से ब्याज पे पैसे भी ले रखे हैं, कर्जा भी हो गया। तो मुझे यहाँ रूमा सिस्टर हैं, उनने मुझे बताया यहाँ पर आने के लिए। मैं यहाँ पर 29 जनवरी को आई थी, तब मैंने जो भी घोषणा पास्टर हरीश जी ने की थी, मैंने अपने काम के लिए वो रिसीव की। तो मैं यहाँ से गई तो मुझे काम के ऑर्डर आने लगे खाने के, और कुछ ऐसे बंदे थे जो पहले मेरा खाना गया तो था, पर उनका ये था कि 9:30-10 बजे तक भी वो रात को गर्म खाना मांग रहे थे। तो हमने मना कर दिया, सर्दियाँ ज़्यादा हो रही थी, नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने फिर वो बंद कर दिया था। तो जब मैं यहाँ से गई थी, एक ही संडे को मैं पहले आई थी, तो उनका ही फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि हमको खाना चाहिए। और मैंने मना किया कि सर हम आपको गर्म खाना नहीं दे सकते रात को। तो उन्होंने बोला नहीं, हमको चाहे आप ठंडा दो चाहे गर्म दो, हमको खाना आपसे ही चाहिए। उन्होंने फिर अपना दोबारा से मुझे टिफ़िन का ऑर्डर दिया और अभी भी मेरा खाना उनके पास जा रहा है। और उसके बाद भी फिर मैं दूसरे संडे को आई तो पास्टर जी ने फिर से जो भी घोषणा की थी, मैंने अपने काम के लिए रिसीव की और मेरा काम और ज़्यादा चला, और भी मुझे नए लोगों के काफ़ी ऑर्डर आए खाने के। और अभी मेरा काम इतना मतलब अच्छा चल रहा है, किसी से मैं पैसे नहीं ले रही हूँ कर्जे पे, और जो पहले कर्जा लिया है उसमें भी मैं दे पा रही हूँ। और मैं तब से, मुझे अब 4-5 संडे हो गए हैं मैं रेवाड़ी से आती हूँ, तो मेरा काम चल रहा है। मैं अपना, अपनी बेटियों का, दोनों बेटियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं खुद कर रही हूँ। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और साथ में ही पास्टर हरीश जी और पास्टर रति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। आप सबकी जय मसीह की। मेरा नाम उषा है, मेरी गवाही ये है, करीबन 1 साल से दाहिनी आँख से मेरे नहीं दिखाता, 2 महीना लगातार एक कलेसा में आए, अभिषेक तेल लगाया, मैं चंगी हो गई। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु के धन्यवाद करते हूँ। सबकी जय मसीह की। इस बहन को 1 साल से राइट आंख से दिखाई नहीं देता था, जब डॉक्टर से टेस्ट करवाया डॉक्टर ने बोला कि मोतियाबिंद है, और जिस कारण इनको दिखाई नहीं दे रहा था डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो नज़र थी वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, कुछ दिखाई नहीं देता था राइट हाथ से, राइट आंख से। चर्चें लगातार आती रही, ऑयल मीटिंग्स को रिसीव किया,
एनॉइंटिंग ऑयल विश्वास के साथ ये घर पे लेके गई, उस ऑयल को आई ड्रॉप की तरह ये आंखों में डालती गई और ये आज बड़ी गवाही के साथ आई है। जिस आंख से दिखता नहीं था वो आंख से दिख रहा है। ये कितनी उंगलियां हैं? हाँ, जोर से चेंज करो, ये तीन, ठीक है। इनके स्वेटर का रंग क्या है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वॉच पहना है अंकल जी ने? कलाई में वॉच डाला है? घड़ी डाली है? घड़ी डाली है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा नाम अश्विन है और ये मेरी वाइफ शाइनी। हम दोनों इस सेफ काई में शुरू से जुड़े हुए हैं, टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च में, और पास्टर हरीश पास्टर रति की टीचिंग प्रीचिंग्स हम लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और मानते हैं। और प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत सारे अद्भुत कार्य करे हैं और एक अद्भुत गवाही एक और हमारे जीवन में उत्पन्न हुई है प्रभु के द्वारा, और जिसको हम आज शेयर करना चाहते हैं आप सबके साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मसीह जीवन पहले इतना अच्छा नहीं था जितना टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च की सेवाओं के बाद हुआ। एक्चुअली हमने प्रभु की जो मनोहरता थी हमने यहीं पे आके जाने की, प्रभु किस तरह से अपने लोगों के जीवन में काम करता है, क्योंकि वचन भी इसी प्रकार कहता है कि मुझ में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और जब भी हम सेवा देते थे तो परमेश्वर से इसी वचन को प्रोक्लेम करते थे कि परमेश्वर तूने कहा है तुझ में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, और हम निरंतर सेवाओं को करते रहे। बहुत सी बाधाएं आई हमारे जीवन में भी, लोग बोलने लगे कि सुबह से शाम तक वहीं रहते हो, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, घर का सारा कारोबार और जो काम काज है वो कैसे होगा। परंतु हमने इन सब के बावजूद उन सबको अनसुनी करके हमने जो सेवाएं परमेश्वर की थी, जो हमने सोचा था परमेश्वर के लिए करने के लिए, हम उस पर अड़े और बने रहे, और उसके वजह से प्रभु ने हमें इतना ब्लेस करा। जैसे कि हमारी और भी गवाहियाँ थी कि प्रभु ने हमें लैंड से ब्लेस करा और बहुत सी ऐसी चीज़ों से हमें ब्लेस करा। और आज भी एक जो मेरी डिज़ायर थी, शादी से पहले से ही थी मेरी डिज़ायर कि मेरे पास एक बड़ी गाड़ी हो, वो गाड़ी जो आज परमेश्वर ने मुझे दी है, होंडा सिटी मेरी हमेशा से एक फेवरेट गाड़ी रही है। और जब मेरे हस्बैंड मुझे देखने आए और मैंने अपने हस्बैंड से बोला क्यों ना हम शादी के बाद कार खरीदेंगे, तो इन्होंने मुझसे पूछा कौन सी कार, तो मैंने कहा होंडा सिटी, और ये मुझ पर हंसने लगे और ये कहने लगे क्या तुम्हें पता है उसका दाम क्या है, क्योंकि उस समय हमारा फाइनेंस बहुत ज़्यादा पुअर था। कुछ डिज़ायर ऐसी होती हैं जो हम रखते हैं प्रभु के आगे लेकिन हम भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा याद रखता है। और ये 16-17 साल पुरानी बात है जब इन्होंने डिज़ायर रखी थी कि होंडा सिटी हमारे पास होनी चाहिए और उस बात को भूल चुके। बीच में हमने दूसरी गाड़ी भी खरीदी, टोयोटा भी थी, इंडिका भी थी, नैनो भी थी हमारे पास, लेकिन ये होंडा सिटी हम भूल चुके थे कि हमारी डिज़ायर होंडा सिटी भी है। लेकिन प्रभु को याद था। जब हमने अपनी गाड़ी टोयोटा बेची तो उसके बाद हमें एक और गाड़ी लेनी थी कि हमारे पास गाड़ी चाहिए थी हमें, तो हम प्लान ही कर रहे थे तो प्रभु ने ऑटोमेटिकली हमारे लिए होंडा सिटी को ही प्लान कर रखा था। तो हम गाड़ी देखने जा ही रहे थे तो वैसे ही मेरी नज़र पड़ी एक जगह, तो मैंने बोला शाइनी क्यों ना हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं। और वहाँ जाते ही पहली गाड़ी जो शाइनी ने मतलब चूज़ करी वो होंडा सिटी थी, और उस टाइम हमें बिल्कुल ध्यान नहीं था कि ये एक दफ़ा डिज़ायर रखी थी शाइनी ने कि मैं होंडा सिटी लूँगी। तो हम बात करते गए और सारे अरेंजमेंट ऑटोमेटिकली बनते गए। और एक चीज़ और, ये कार है ना उस टाइम जब हमने देखी थी और शाइनी ने प्रेयर की थी तो उस टाइम पे किसी और ने इसको ले लिया था और किसी ने बुक करके दी, तो जो डीलर था उसने बोला सर ये गाड़ी तो ऑलरेडी निकल चुकी है आप कोई और देख लो, तो लेकिन एक दो दिन का टाइम दीजिए, बाय चांस अगर वो नहीं लेता तो ये गाड़ी फिर आपके लिए हम मतलब मैं आपके लिए प्रोसेस कर देंगे हम लोग। और ऐसे ही हुआ, वो बंदा लौट के नहीं आया और ये गाड़ी फिर हमें मिली। इसी के साथ ही मैं छोटा सा मैसेज आप सबको देना चाहूँगी कि जैसा मेरे और मेरे परिवार के जीवन में हुआ, जो ब्लेसिंग हमने ली, मैं और मेरा परिवार चाहता वो ब्लेसिंग आप भी लें। आप भी सेवाओं में आगे बढ़ें, परमेश्वर के कामों में हाथ बटाएं। मत सोचिए लोग क्या कहते हैं, ज़माना क्या कहता है, परिवार क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, घर में बच्चे क्या कहते हैं। आपका काम जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है बस उसको करना। क्योंकि जब हम गाड़ी लेने गए थे तो मैंने गाड़ी पर हाथ रख के बोला कि जैसे परमेश्वर ने जोशुआ से कहा कि हे आप बांध, डर मत, जहाँ तू कदम रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। और वैसे ही मैंने उस वचन के अकॉर्डिंगली अपना हाथ कार पे रखा। मैंने कहा परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जहाँ जहाँ जोशुआ से तूने कहा कदम रखेगा तू, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। आज मैं अपना हाथ इस कार के ऊपर रखती हूँ, आज से यह कार मेरी है। और उस दिन से लेकर 3 डेज के अंदर वो कार मेरे पास आ गई। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ
जिस तरह हम परमेश्वर की सेवाओं में बने रहें, आप भी उसी तरह से परमेश्वर की सेवाओं में बने रहिए, ताकि वो ब्लेसिंग जो आपकी है सही टाइम पे आपके पास आ सके। और वही बात हुई कि मैं भी अपनी डिज़ायर भूल चुकी थी, मगर जो परम पवित्र ईश्वर है वो जानता था कि मेरी डिज़ायर क्या है, मैंने उससे क्या मांगा था, और उसने उस डिज़ायर को सही टाइम पे मेरी सेवाओं के साथ उसे पूरा करा। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस ग्रेटर ब्लेसिंग के लिए। उसके साथ ही पास्टर हरीश और पास्टर रति का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिनके कारण हम इन ब्लेसिंग के हकदार हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रूमा है, मैं सेक्टर 8 से आती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ अपनी गवाही शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मेरी मदर के साथ मेरे रिलेशनशिप को रिस्टोर किया और कैसे हम दोनों को सुसाइडल टेंडेंसी से छुटकारा दिया। आज से 7-8 साल पहले की बात है, मेरी मदर के साथ मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे से, हम बहुत अच्छे थे और हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर करते थे, साथ में आना जाना होता था, कहीं भी जाते थे। लेकिन धीरे धीरे लड़ाइयाँ होने लगी हमारे। अब लड़ाइयाँ धीरे धीरे ऐसा हुआ कि 2-3 घंटे तक हमारी लड़ाई होती थी, फिर पूरा पूरा दिन रहने लगी, फिर 2-3 दिन तक हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं करना, और कभी वो रो रही है बैठ के, कभी मैं रो रही हूँ, मतलब ये चलता रहता था। लड़ाई का रीज़न नहीं समझ में आता था कि लड़ाई क्या है, बस एक दूसरे से बात करना और एकदम से लड़ाई हो जाना। फिर ये लड़ाई 2-3 दिन तक चलती थी, वो भी रोती रहती थी बैठ के, मैं भी, खाना नहीं खाना एक दूसरे ने, और वजह पता नहीं चलती थी हमें कि किस वजह से लड़ाई हुई। बस नॉर्मली वो कुछ बात करनी तो एकदम से मैंने लड़ जाना, मैं कुछ बात करी तो उन्होंने लड़ जाना। तो ये लड़ाइयाँ एज इट इज़ चलती रही। अगर किसी रूम में वो बैठे हैं तो मेरा वहाँ पर नहीं जाना बिल्कुल भी। साथ में अगर हम दोनों कहीं गलती से चले भी जाएँ तो वापस आते समय दोनों की या तो लड़ाई हो जाना या वो अकेले आ रही हैं फिर वहाँ से चल के। तो ये सारा कम से कम 7-8 साल तक ऐसे ही चलता रहा, और लड़ाई बहुत बुरी तरह हमारी होती थी। सुसाइड के अटैक पहले उन पे होते थे, लेकिन वो धीरे धीरे मुझ पे भी होने लगे। तो वो ये कहती थी लड़ाई करते समय कि आज तो मुझे मर जाना है, मैं नहीं रहूँगी अब, क्योंकि अब मैं परेशान हो चुकी हूँ, हर टाइम कलेश रहता है घर में, तू हर टाइम मेरे से लड़ती रहती है। और मेरा भी यही था कि अगर मैं आपसे लड़ रही हूँ, मेरी वजह से आप परेशान हो, तो बेहतर है कि मैं ही मर जाऊँ। तो एक दिन ऐसा हुआ, ये 2021 की बात है, जून की, उन्होंने मुझसे बोला कि रूमा आज मेरा लास्ट डे होगा, क्योंकि मैं परेशान हो चुकी हूँ इन लड़ाइयों से, तो बेहतर है कि अब मैं मरी जाती हूँ, क्योंकि मुझे रह के कुछ भी नहीं करना। तो मैंने उनको नहीं कुछ भी बोला, मैं अकेले रूम में चली गई। मैंने कहा रूमा अगर इनको कुछ हो गया तो कल को लोग तुझे बोलेंगे, तो बेहतर है कि तू ही कुछ कर ले आज अपने आप को। तो मेरे रूम में बहुत सारी दवाइयाँ रखी हुई थी, मैंने सारी दवाइयाँ लेकर खा ली, मुझे नहीं पता वो कौन कौन सी दवाइयाँ थी। और 15-20 मिनट बाद मुझे कुछ होने लगा, जैसे मतलब मेरी आँखें बंद होने लगी और नशा सा होने लगा। तो मुझे लगा आज तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बेहतर है मम्मी पापा को सब कुछ छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि सब बहुत परेशान हो चुके थे, हर टाइम घर में डिस्टर्बेंस रहती थी मेरी वजह से। तो मैंने कहा आज तो दी एंड कर ही देना है मैंने। तो मैंने सारी दवाइयाँ खा ली, 15-20 मिनट बाद क्या हुआ, मुझे वोमिटिंग आई और सारी दवाइयाँ निकल गई बाहर एज इट इज़, जो भी मैंने खाई थी। उसके बाद मुझे लगा शायद अब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर वही लड़ाइयाँ, कभी वो ज़मीन पे सो रही है मेरी वजह से, कभी किसी भी बात पे लड़ाई हो जाना, उन्हें मेरी बात करना अच्छा ना लगना, मुझे उनकी बात कोई भी सुनना पसंद नहीं। तो ये सब फिर से चलता रहा। फिर 2022 में किसी ने मुझे टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च से जोड़ा, और मैं रेगुलर चर्च में आती रही अक्टूबर से। नवंबर 20, 2022 को फैमिली ले हैंड प्रेयर था, मैं फैमिली ले हैंड प्रेयर में आई, मेरे ऊपर भी ले हैंड प्रेयर हुआ, और उस दिन मुझे परमेश्वर ने छुटकारा दिया हर तरह की गंदी स्पिरिट से, मुझे छुटकारा दिया लड़ाई झगड़े की स्पिरिट से, सुसाइडल टेंडेंसी से, हर तरह से मुझे परमेश्वर ने छुटकारा दिया। और आज 3.5 महीने हो चुके हैं, मेरी मम्मी के साथ मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात है, मेरी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं होती उनसे, बहुत अच्छे से हम दोनों साथ में रहते हैं, हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे परमेश्वर ने बना दिए। एक दूसरे के साथ जाना आना होता है, बातों को शेयर करना होता है, पहले इतने अच्छे रिलेशंस नहीं थे जो अब होने लगे हैं। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, बातों को शेयर करना, कुछ भी प्रॉब्लम उन्हें है तो वो मुझसे बोलते हैं, मुझे है तो मैं उनसे बोलती हूँ। परमेश्वर ने कंप्लीट डिलीवरेंस मुझे दे दिया है, और मैं इस बड़े छुटकारे के लिए, बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और परमेश्वर के दास दासी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को जय मसीह की।